और इसके ऊपर बटर आएगा। हाँ जी ये स्लाइस करेंगे पैटी की तरह। हाँ जी ठीक है, कट लगा दिया, खाने में आसानी हो जाएगी ना। ये अमूल बटर आ गया जी, ठीक है जी। प्लेट तैयार हो गई जी, चने भी आ गए, चटनी भी आ गई और कुलचा भी आ गया। ये आ गया जी हमारा पैटी कुलचा। हमारा काम कम से कम 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए और काफी फेमस है आप डीएवी कॉलेज के पास के। और वहाँ पर आपने कितनी देर लगाया? वहाँ पे अभी भी लगता जी? नहीं लगता, पहले कितनी देर से शुरू है? हमने बोला ना 2.5 साल हो गए काम से। वही है और यहाँ पर आपको थोड़ी देरी हुई है? यहाँ पे आए को हमको सिर्फ 1 महीना 10 दिन हो गए, 1.5 महीना हो गया ना आपको यहाँ पर। और वैरायटी कौन कौन सी रखी है आपने यहाँ पे? हमारे पास न्यूट्री कुलचा है जी, न्यूट्री राइस है, चने भटूरे हैं जी, और आलू वाला कुलचा है, पैटी कुलचा है। सुबह ओपन कितने बजे हो जाता है? सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाता है। तो कितनी देर तक रहता है? शाम को 7:30 बजे तक रहता है। 5 बजे तक हमारे पास कुलचा रहता है, आलू वाला और पैटी कुलचा। टूरिस्ट वगैरह काफी आते हैं जी? टूरिस्ट आते हैं, बैठने के लिए भी काफी अच्छा, बैठने के लिए ऊपर एसी हॉल है, ऊपर एसी हॉल, नीचे भी बैठने के लिए भी बैठ जाते हैं। और काफी आपकी शॉप वहाँ तो काफी सुना नाम, जहाँ भी चलेगी आएंगे लोग जिनको नहीं पता। कौन सा कुलचा? हमने पैटी कुलचा किया, प्लेन कुलचे भी लगते होंगे? प्लेन भी लगता है, पनीर वाला कुलचा लगता है, गोभी वाला कुलचा लगता है। प्राइस कितना है? प्राइस हमारा 60 रुपए से शुरू हो जाता है, देसी घी लगा के और ऊपर मक्खन रख के। ठीक है, और जो न्यूट्री कुलचा? न्यूट्री कुलचा 60 रुपए की प्लेट शुरू हो जाती है, दो कुलचे और न्यूट्री। ठीक है, बाकी जैसे कुछ लेगा जी जी जी। ठीक है जी, ये कैसे तैयार करते हैं? ये पहले न्यूट्री उबाइल करके उसके बाद तड़का बनाते हैं हम, प्याज टमाटर का, नहीं टमाटर नहीं हम लोग डालते, प्याज और ग्रेवी होती है इसकी, न्यूट्री की होती है जी। उसके बाद तड़का लगा के यहाँ पे मक्खन का वो हम सर्व करते हैं जी। ठीक है, अभी आपको बना के देते ये हमारी ये आ गई जी, गुड़ वाली चटनी, गुड़ वाली चटनी, ये पुदीने वाली आ गई जी, प्याज आ गया जी। और ये गार्निश के लिए आपने अदरक वगैरह, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, गाजर मैं अभी बना के दे रहा हूँ आपको। हाँ जी जी, मैं आपके लिए प्लेट तैयार कर रहा हूँ। शिमला मिर्च आ गई, अदरक आ गया, ये गाजर आ गई, और थोड़ा सा प्याज आ गया। जी इसको तड़का लगा के दोबारा जी जी जी। ये आ गया जी हमारे पास मक्खन आ गया जी, ठीक है, ये पनीर आ गया, ये हल्के से कुलचे डिप करके इसका टेस्ट और बढ़ जाता है जी जी जी। सॉफ्ट भी हो जाते हैं और खाने में भी मजा आता है। वाइट बना दिया आपने पूरे छोटे, ये हमारे आगे प्याज जी, सैलेड आ गया, ठीक है, ये मीठी वाली चटनी आ गई, ये पुदीने वाली आ गई, ठीक है।
करके हल्का सा पनीर ऊपर से फिल कर देते हैं। ये आ गई जी आपकी प्लेट रेडी। दोस्तों हमारी प्लेट तैयार होके आ गई है। आज हम आए हैं अशोक ऊंचा न्यूट्री वालों के पास, जो कि डीएवी कॉलेज के पास इनकी कार्ड साइट है, जहाँ से लग रही है, अभी लग रही है, वो काफ़ी ये फेमस है। और यहाँ पर इन्होंने नया आउटलेट खोला है गोल्डन टेम्पल के पास कटरा आलू वाली में। एंट्री के स्टार्टिंग में इनकी शॉप है, अगर आप आए तो ट्राई जरूर करें। चार पाँच तरह की इनके पास वैरायटी है, चावल है, ऊंचा न्यूट्री है, तंदूर वाला ऊंचा भी है, और पैटी में मतलब सबसे फेमस है जो आजकल चल रहा है। काफ़ी तरह के इनके पास पैटी है, पूरे चले भी है, बैठने का भी अरेंजमेंट है, ऊपर उनका ऐसी हाल है बना हुआ, नीचे भी बैठने के लिए काफ़ी अच्छी तरह इन्होंने मैनेज करके रखा है। आज हम आए हैं शो कुलचा न्यूट्री वाले के पास, इन्होंने नया काम स्टार्ट किया है तंदूर वाला कुलचा, जिससे हम पैटी कुलचा बोलते हैं। सिंपल कुलचे भी इनके पास है, और ये चने देखे इनके कितने संघने और गाढ़े। सर ये कौन से चने बनाए हैं आपने? ये डबल डॉलर वाले चने हैं, डबल डॉलर वाले चने हैं, बिल्कुल ठीक बने हुए हैं और सिंपल तरीके से बनते हैं। ये बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई तड़का नहीं है, लगता सिर्फ मसाले वगैरह ही, मसाले ही है, मसाला ही है जी इसमें सब। थोड़ा सा काफी अच्छे तरह से तैयार कर करके बर्तन भी काफी साफ सुथरे इन्होंने रखे हुए हैं, देख के मन कर रहा है खाने को, बैठने के लिए भी अरेंजमेंट। और इसमें क्या है जी? इसमें देखो जी ये प्याज वाली हमारी चटनी है, प्याज वाली चटनी है, ठीक है, ठंडी बस चिल्ड बना के रखी है और प्याज डाला है। मौसम के हिसाब से मूली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी। मूली तो कम चलती है, प्याज ही ज्यादा पसंद करते हैं लोग, ठीक है। तो आपको इनका कुलचा दिखाते हैं। सर ये कुलचे का मटेरियल सारा आपने रखा है? जी जी, ये सारे सिंपल भी बना के दे सकते हैं, सिंपल चाहे पैटी कुलचा लो चाहे मैदे का स्लाइस बनाए। कितनी परतें डालते हैं? ये बनी हुई है कम से कम 7-8 परत होती है इसमें। और इसको बीच में क्या लगाते हैं? डालडा वगैरह लगता है? इसमें डालडा ही लगता है, जो कोई कहे देसी लगा दे तो आता ना, वैसे जी, जी, नहीं जी। ठीक है, अगर कोई कहे देसी लगाना तो देसी भी लगा देंगे। आलू की बनी हुई है सारी? आलू है, बीच में चुकंदर है, थोड़ा गाजर वगैरह, प्याज वगैरह जो मसाले वो भी है, ठीक है। ये काट के भी रखा है, ऊपर भी लगा सकते हैं, बीच में भी जी जी। ये पनीर भी है, मटर है, प्याज है, चुकंदर है, गाजर है, गोभी भी है। और इसको इसमें भर देंगे और पैटी कुलचा तैयार करेंगे भैया? हाँ जी, ये अभी तो गोल कुलचा तैयार हो रहा है, पैटी भी आपको दिखाते हैं जी। अभी जो पेड़े बनाए लच्छेदार बना के रखे हुए जी जी जी, और ये जो मसाला है इसके ऊपर लगता है? हाँ जी, ठीक है। ये हमारा पैटी कुलचा तैयार हो रहा है, ठीक है। ये पनीर डाला आपने, मटर डाले, मटर कौन सा, प्याज, ठीक है, कोई प्याज नहीं भी खाता तो गाजर देते हैं, गोभी डाली, ठीक है। वो तो अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी डलवा सकता है। हाँ जी, और ये आलू की फिलिंग आ जाएगी ऊपर, ठीक है। इसकी शेप बिल्कुल चौरस आएगी, जैसे परोठी होती जी, है जी जी जी, जैसे पैटी कुलचा करती है हां जी, वैसे बिल्कुल उसकी शेप आएगी, पनीर वाली, प्याज वाली हो जाए जी जी, जैसे ये कुलचा। ये कितने का कुलचा? ये 80 रुपए का जी, 80 रुपए का जी, 80 रुपए का, ठीक है। देसी घी लगा के और ऊपर इसके ऊपर मक्खन रखेंगे, मटर रखेंगे जी, साथ में चने और चटनी हो जाएगी जी जी, ठीक है। इससे क्रिस्पीनेस ज्यादा आएगा? हाँ जी, ठीक है, इससे करारापन बहुत ज्यादा आता है। ये तैयार हो गए लगने के लिए? हाँ जी। और कितनी देर में पकेंगे ये? 5-7 मिनट। हमारे पास आटे वाला कुलचा भी होता है जी, अगर कोई कहे आटे वाला खाना है करे तो आप बना जी, सकते हैं जी जी जी। आजकल ज्यादा लोग आटे वाला भी ज्यादा चलता है, आटे वाला गोल वाला जो। हाँ जी जी जी, जी। अगर किसी ने सिर्फ आलू भी डलवाने, सिंपल भी बना लें। हाँ, सिंपल बिना प्याज के भी बन जाएंगे, 60 रुपए से शुरू हो जाएगा, देसी घी लगा के ऊपर ऊपर मक्खन की टिक्की रख के। ये कुलचा तैयार हो गया जी? हाँ जी, आ रहा है जी, पेटी कुलचा हमारा आ गया जी। देखिए कितना बड़ा बन गया है, वो लाइट शेड में बना, बिल्कुल ही बढ़िया लग रहा है जी। आलू, जी आलू वाला गोल वाला कुलचा, पैटी कुलचे का प्राइस है जी 80 रुपए, और ये गोल वाले का 60, जो देसी घी आ गया जी, ठीक है। लाओ सर, और इसके ऊपर बटर आएगा? हाँ जी, ठीक है। ये स्लाइस करेंगे पैटी की तरह? हाँ जी, ठीक है। कट लगा रही है, खाने में आसानी हो जाएगी ना। ये मूल बटर आ गया जी, ठीक है जी। प्लेट तैयार हो गई जी, चने भी आ गए, चटनी भी आ गई, कुलचा भी आ गया।
ये आ गया जी हमारा पैटी कुलचा। पैटी कुलचा तैयार कर दिया आपको दिखाया हमने, क्योंकि अच्छी तरह साफ सफाई से उन्होंने मटीरियल रखा है और इसको तंदूर में लगाया है तो काफ़ी सॉफ्ट उन्होंने मैदा बना के रखा है, उसमें वेजिटेबल और आलू भी फिलिंग की है और साथ में चने हैं, बेलन वाले चने हैं जी, काफ़ी चलने वाले, साथ में चटनी है प्याज और भिंडी वाले। और ये 80 रुपये का कुलचा है जी, साथ में इन्होंने मक्खन की टिक्की दी है, अमूल टिक्की जो देख लें, ऊपर पहले इन्होंने देसी घी डाला है, ऊपर मक्खन है तो काफ़ी पहले ही सॉफ्ट है, और सॉफ्ट हो जाएगा जब मक्खन लगाएंगे। और इसको हम ट्राई करते हैं, इन्जॉय करते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इधर आएँ तो ये सब रेडी इस्तेमाल करके जाएँ, खा कर जाएँ, पैकिंग करवा के लेकर जाएँ, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। बैठने के लिए भी अरेंजमेंट है और पैकिंग के लिए भी ये कर देंगे, और आप आएँ जरूर, वो एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार इधर आएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।